आज है Day 3 और मैं आज भी जा रहा हूँ वॉक करने के लिए और एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग करने के लिए। मैंने सोचा आपको बता दूं, 2 तारीख है और सुबह के कोई 7 साढ़े 7 चलता हूँ, डायरेक्ट पार्क में जाता हूँ। लेटर दैट सेम इवनिंग भाई, अभी अभी आए थे हम लोग सर्टिफिकेट वगैरह बनाने के लिए। इधर सामने एहतजाज चल रहा है, चलते हैं मैं आपको एक एहतजाज दिखाता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम खुद भी मैं देखने जा रहा हूँ एहतजाज कैसा होता है। हम लोग एकदम करीब आ गए। देख लिया होगा, मैंने खुद पहली दफा एहतजाज देखा है। A few moments later. भाई मैं अभी आपको ना एक ऐसी रोड दिखाने वाला हूँ। इधर रोड का नाम ठंडी सड़क रख गई क्योंकि चल झूठा लक्की बाइक व्लॉग्स इतने ठंडे होते हैं ना। ये जो रोड जा रही है ना, इस रोड का नाम भाई लक्की बाइक की वजह से इस रोड का नाम ही ठंडी सड़क रख दिया। ये रोड इतनी ठंडी हो गई ना, लक्की बाइक की वीडियो इधर बहुत चली। 3 days later. अच्छा तो फिर भाई 3 दिन के बाद मेरे दोस्त मुझसे मिलने आते हैं, अली और मुमताज, और हम तीनों जाते हैं हेयर कट करवाने के लिए। तो उधर हेयर कट करवाने जाते हैं, अली जो अपना हेयर कट करवाने लगते हैं, लेकिन मैं तो नहीं आया था बाल कटने, लेकिन मुझे भी ज़बरदस्ती थोड़ी बहुत सेटिंग करवानी पड़ जाती और मुझे पता नहीं क्या पप्पू बच्चा बना दिया। फिर उसके बाद मैं फौरन घर आता हूँ। पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच चल रहा होता है भाई, मैं देख नहीं पाया मैच, काफ़ी सारे काम थे, उन सब में बिजी था आज पूरा दिन। 24 चाहिए यार 16 गेंदों में, नमाज भी अभी आउट हो चुका है। हमारी आखिरी उम्मीद आसिफ अली बाकी है और खुशदिल शाह भी आ चुका है यार। जीत जाएंगे, डायरेक्ट फाइनल में जाएंगे। क्या बात है, छक्का छक्का छक्का, अरे यार आउट हो गया, एक और आउट। बहुत नाजुक सूरत हाल है, ये फड्डा क्यों हो रहा है और आसिफ अली आउट हो गया। 6, ओ भाई साहब चक्का, नसीम शाह यू ब्यूटी, चक्का जीत गए नसीम शाह। Here we go again. The next day. जो फ्लड में लोग परेशान हैं, खाना नहीं खा सकते, उनको खाना खिलाने जा रहे हैं। मम्मा भी मेरे साथ चल रही हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। कुछ अपन चल रहे हैं मदद करने लोगों की, नेक काम करना चाहिए, लोगों का ख्याल करना चाहिए, नेक काम करने में बरकत है और एक दूसरे के काम आते हैं, यही जिंदगी है। हाँ, थोड़ी देर में निकलेंगे, रोटियां लेके आएंगे और साथ में हमने सालन बनाया ठीक ठाक छोलों का। भाई ये आ गए रोटियां और ये आ गए सारा का सारा सालन, सालन और रोटियां वाला अंदर रख दिया। तो अभी मैं कार बाहर निकालता हूँ फिर आपसे। तो फिर अभी अभी जो हम लोग निकल चुके हैं, दूसरा मिशन ये है कि हमें पता नहीं है कि लोग किधर हैं, तो जाके जो हमें पहले ढूंढना है कि किधर हैं सैलाब में जो लोग। A few moments later. इधर काफी सारे लोग उधर पीछे बैठे हुए, इधर बाढ़ के देख। सैलाब कहाँ आए हो? ये खाड़ो हाँ ता वो ही गोश्त था ठीक है, दुआ कयो। अच्छा ही तां जो, अच्छा ही हिनन के वठण असा ता के ता वो ता सैलाब में आयो। अच्छा दुआ कयो, सारा पार्ट दिया। ज्यादा ही रश हो गई थी, हम गोश्त वोश भी लेकर आए थे बकरे का, ताकि लोग भाई खाएं थोड़ा मजे से, तो बकरे का गोश्त भी दे दिया और थोड़े बहुत पैसे भी डोनेट कर दिए और खाना जो था वो भी बांट दिया। ठीक है अम्मा, अच्छा पूरी करे और वो सलामत रखे, उनकी हर इनके पास आए और इनकी मदद करके जाए। आमीन। Later that same evening. फिर अभी अभी हम लोग लैपटॉप लेने के। फर्स्ट जनरेशन मशीन है ना जी, ये पड़ेगी 4 GB 500 GB।
अच्छा जी सही है, ये 16,000 रुपए की पड़ेगी। सही है, ये फोर्थ जनरेशन में ये तो नहीं पड़ेगी, 35 की बिल्कुल चीपेस्ट रेट है ये। सिक्स जनरेशन में, सिक्स जनरेशन 54,000 रुपए की मिलेगी। फहद है, फहद इंटरप्राइज है ये शॉप, सही है ना। और उसकी भी है फोर्थ जनरेशन 650, ये 35,000 रुपए की मिल जाएगी मशीन। ये i7 है 8GB 256 SSD, ये मिल जाएगी आपको 36 की। 36 टच में, टच में फिंगरप्रिंट से चलता है जी जी, ये सही आते ही रही है। ये कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे ना, कॉम्प्लेक्स फहद इंटरप्राइज है, मैं 9th फ्लोर पर चलें। हां 58 शॉप नंबर 58। अच्छा तो फिर भाई आप लोग सोच रहे हो कि मैंने कौन सा लैपटॉप लिया, फिलहाल तो मैंने कोई लैपटॉप नहीं, अगर लिया होगा तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लग जाएगा। बकाया यार भाई की दुकान पे जाना, अगर पसंद आए तो लैपटॉप ले लेना। बकाया यार आगे का जो व्लॉग होने वाला है, मैं गया था अपने फ्रेंड्स के पास, बहुत ही पुराने फ्रेंड्स हैं अंजुम आंटी के साथ, तो उनके साथ जाके छोटा सा प्रैंक करा था, इंजॉय वगैरह करा था, तो जाके वो वाला व्लॉग देखो। मेरा नहीं पता, एक दोस्त आ रहा है हमारा, उसको मैसेज कर दिया, वो भी व्लॉगर हैं प्रैंक करने वाले हम लोग। A few moments later, एक दोस्त है जाकिर, उसको हमने बुलाया, वो भी व्लॉगिंग करता है, उसके साथ हम करने लगे प्रैंक, वो बोलेगा मैं चला गया। अच्छा ठीक है भाई। हाँ और व्लॉगर भाई, और भाई बस यार चैनल हमने तो बंद कर दिया यार। क्यों? बस ऐसे ही ना व्यूज आ रहे थे ना वो। अच्छा कॉपीराइट पड़ गया भाई, कॉपीराइट क्लेम बहुत ज्यादा लग रहे थे तो हटा देता उनको। बस हम क्या करते यार, अभी भी हमारा नहीं, मेरे को बोलता मैंने तो हटा देता। अच्छा आतिफ और हम दोनों ने प्लान किया तो प्रैंक करें। अच्छा मेरे साथ? हाँ नहीं A few moments later, अरे बहुत दोस्त है ये करेगा भी बीट बॉक्सिंग स्टार्ट कर। क्या बात है, FT on the beat अबे this is Fahad Khan and FK on the beat yeah. क्या बात है सर, क्या बात है सर, वाह भाई वाह। क्या ऑन द बीट हियर, वाह जी भाई टैलेंट। और भाई कुछ बोलना चाहोगे? वाकई ये बंदा जो है हमारे जीसीडी कॉलोनी का बड़ा टैलेंटेड बंदा है। अच्छा और आपको यार पास कोई अल्फाज नहीं है। ओके